सो ऑलरेडी क्या स्वागत है पिक्सल के नए ट्यूटोरियल में। एंड इसमें कुछ इस पर का फोटो एडिटिंग ट्यूटोरियल लेकर आ चुका हूँ, तो बिना देरी के चलते हैं वीडियो को। एंड इसके लिए सबसे पहले तो पिक्स आर्ट को ओपन कर लेना है। एंड इसके बाद सबसे पहले एडिटिव स्टार्ट एडिटिंग पर क्लिक करके बैकग्राउंड कलर को चूज करना होगा। एंड यहाँ से RGB कलर को चूज करते हैं। देन यहाँ से आपको येल्लो या फिर ऑरेंज कलर का चूज करते हैं, आप कोई कलर भी चूज कर सकते हैं। एंड यहाँ से चूज करके ऑरेंज कलर का डन करते हैं। देन इसके बाद तो देख ले कुछ इस पे का हो जाएगा। एंड एड फोटो पे जाएंगे एंड एक वाइट लाइट PNG को ऐड करेंगे। एंड इन सभी PNG का डाउनलोडिंग वीडियो का आई बटन में मिल जाएगा, वहाँ से इजीली आप डाउनलोड कर सकते हैं। देन इसके ब्लेंडिंग मोड को स्क्रीन पर सेट कर देंगे। देन इसको थोड़ा सा जूम आउट करेंगे एंड देख ले कुछ इतना। एंड यहाँ से करके फोटो को डन करेंगे। देन इसके बाद क्रॉप वाल टूल पर जाएंगे एंड यहाँ से क्रॉप कर देंगे एंड पोर्ट्रेट को सिलेक्ट करके डन कर लेंगे। देख लो फ्रेंड कुछ इस प्रकार रेडी हो गया। एंड इसके बाद एड फोटो पर जाएंगे एंड एक PNG को ऐड करेंगे। एंड इस PNG का भी डाउनलोडिंग वीडियो का आई बटन में मिल जाएगा, वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। एंड इस PNG को जूम आउट करना होगा एंड जूम आउट करके ऊपर यहाँ पर सेट कर देना होगा। कुछ देख लीजिए कुछ यहाँ पर सेट कर लेना होगा। एंड इसकी ओपेसिटी को थोड़ा कम करेंगे हम एंड 35 के पास रख देंगे। एंड इतना हो जाएगा डन करेंगे। देन इसके बाद फिर से एड फोटो पर जाएंगे एंड इसमें मॉडल को ऐड कर लेंगे। एंड मॉडल को ऐड कर लेते हैं। एंड मॉडल का बैकग्राउंड ऑलरेडी इरेज है, तो इसके बारे में एक और वीडियो बना चुका हूँ ऑलरेडी, इसको भी आई बटन में मिल जाएगा, उसको भी जाकर देख लेना। एंड यहाँ पर इसको सेट कर देंगे। देन इतना हो जाने के बाद फिर से एड फोटो पर जाएंगे एंड मिनियन टेक्स्ट PNG को ऐड करेंगे, देख ले। एंड इस PNG को ऐड करके नीचे सूज के पास आपको एडजस्ट कर लेना होगा, कुछ इतना देख लीजिए। एंड इतना एडजस्ट हो जाने के बाद फोटो को डन करेंगे फिर से। एंड इसके बाद फिर से एड फोटो पर जाएंगे, डन करेंगे। एंड इसके बाद फिर से एड फोटो पर जाएंगे एंड कुछ मिनियन PNG को भी ऐड करेंगे, देख ले फ्रेंड्स ये मिनियन PNG है। एंड इस PNG को ऐड कर लेंगे हम, देख लीजिए। एंड इन PNG का देख ली कहाँ कहाँ सेट करना आपको देख लेना वीडियो में। एंड इस PNG को यहाँ पर कॉर्नर पर सेट कर लेना होगा कुछ अच्छे तरीके से, देख लीजिए। एंड इस वाले PNG को ऊपर यहाँ पर सेट कर लेना होगा। एंड इसको छोटा सा कर लेते थोड़ा, देखने में अच्छा लगेगा। एंड यहाँ से हो जाने के बाद डन करेंगे, देख ले कुछ इतना हो जाएगा। एंड फिर से ऐड फोटो पर जाएंगे, एक और PNG को ऐड करेंगे। एंड ये PNG लास्ट PNG है। एंड इस PNG को यहाँ पर सेट करके एडजस्ट कर देंगे कुछ इतना। एंड इतना हो जाने के बाद डन करेंगे। एंड फोटो डन हो गया मेरा। एंड थोड़ा सा कलर ग्रेडिंग करेंगे, तो सबसे पहले टूल में जाएंगे एंड यहाँ से एडजस्ट में जाएंगे। एंड अपने हिसाब से देख लेना क्या क्या जरूरत होगी। सबसे पहले सेचुरेशन को थोड़ा सा इंक्रीज करेंगे, थोड़ा सा इंक्रीज करेंगे। एंड इसके बाद ब्राइटनेस को थोड़ा सा डिक्रीज करेंगे एंड हाईलाइट को थोड़ा सा इंक्रीज कर देंगे, बस इतना काफ़ी है थोड़ा सा बस। इतना हो जाएगा डन करेंगे। एंड इसको FX टूल में जाएंगे एंड यहाँ से देखिए फिर एंड FX में जाएंगे। एंड यहाँ से सबसे लास्ट में एक विंटेज का ऑप्शन मिलेगा एंड इसको ऑप्शन को ओपन करके फेड को तो रहन देंगे, पहले तो फेड को रहन देंगे। एंड साइज को इंक्रीज करके फेड को 90 के पास में एडजस्ट कर देंगे, देख लो कुछ इतना। एंड यहाँ से हो जाने को फोटो को डन कर लेंगे एंड फोटो रेडी हो गया। एंड इस फोटो को सेव कर लेंगे, ऊपर एक कॉर्नर एरो क्लब का सेव कर लेंगे एंड इस फोटो को सेव कर लेते हैं। एंड इस वीडियो में बस इतना ही था। वीडियो थोड़ी सी अच्छी लगी तो लाइक एंड सब्सक्राइब करें। तब तक के लिए गुड बाय।